हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए टाइम को मैनेज करना। कहते हैं अगर हम वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कद्र नहीं करेगा। दोस्तों, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग उसी 24 घंटे में इतिहास रच देते हैं और बहुत सारे लोग उसी 24 घंटे को बर्बाद कर देते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है, अगर कोई हर समय ये कह रहा है कि मैं व्यस्त हूँ, इसका मतलब वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अब अस्त व्यस्त से मतलब कि टाइम से किसी काम को नहीं करना। अगर हम अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, अगर हम रूटीन से हर काम करने लगें, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा वक्त बच गया और उस वक्त को हम अपने किसी भी क्रिएटिविटी में या फिर अपने ज़रूरी कामों में लगा पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मॉर्निंग में योगा करना है, तो आप उसे अपने टाइम टेबल में सेट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको मॉर्निंग में वॉक करना है, तो आप उसे भी अपने टाइम टेबल में लिख लीजिए। आपके पूरे दिन भर का जो भी शेड्यूल होता है, आप उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है, हमारा टाइम टेबल सेट होता है और धीरे धीरे यही रूटीन फॉलो करते करते हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। हमें सबके लिए टाइम निकालना होता है। अगर हम किसी को ये कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो दोस्तों आज के टाइम पे किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन हर उस व्यक्ति के पास वक्त है जिसने अपने वक्त को मैनेज कर लिया है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप सब जानते हैं मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे भी हैं, और उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो मैं कहाँ से लाती हूँ इतना सारा वक्त अपने लिए? सीधी सी बात है, मैं अपने वक्त को मैनेज करती हूँ। अगर मुझे सुबह योगा जाना है, मैं डेली योगा करती हूँ घर पे, डेली मैं वॉक पे जाती हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने बच्चों का भी मैंने रूटीन सेट किया हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा वक्त हो वही वक्त बच्चों का हो। उस टाइम पे मैं उनकी स्टडी देख सकूं, उसके अलावा मैं उनको अलग काम दे के रखती हूँ जब वो अपनी सेल्फ स्टडी करते रहते हैं या फिर होमवर्क करते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जब हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे, तो हम अपने घर वालों के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा वक्त हमारा इधर उधर बर्बाद हो जाता है। जब आप नोटिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारा वक्त इसमें बचा सकते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने टाइम को मैनेज करना, क्योंकि दोस्तों याद रखिए 24 ही घंटे हैं और इस 24 घंटे को हमें बहुत अच्छे से बिताना है। हमें सिर्फ बर्बाद नहीं करना है, इसी में हमें अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाना है। हमें अपने फ्यूचर के लिए भी वक्त निकालना है, यानी कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका वर्क है, उसके लिए भी आपको वक्त निकालना है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, अगर आप ऑफलाइन वर्क करते हैं, तो भी आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना है। जब आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा वक्त बच गया। दोस्तों, टाइम मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग अगर फ़ोन पे बात करते हैं, तो देखेंगे कि टाइम का पता ही नहीं चला और कितनी देर तक बात कर ली। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम हमें हर जगह से चुरा के अपने ज़रूरी कामों के लिए बचा लेना है। अगर आप इस तरीके से अपना रूटीन सेट करते हैं, अपना एक टाइम टेबल सेट करते हैं, आपको पढ़ाई करनी है तो कब पढ़ाई करनी है, आपके जॉब का टाइम क्या है, आपके डिनर बनाने का क्या टाइम है, आपका बच्चों के साथ रहने का क्या टाइम है, जो भी आपका वर्क हो पूरे दिन में, आपका जो भी वर्क हो, उसको टाइम टेबल बनाइए और उसको लिखिए। लिख के अच्छे से टाइम टेबल बना के अपनी आंखों के सामने लगाइए, ताकि आप उसको सिर्फ लिखें ही नहीं, उसको फॉलो भी करें। और आप नोटिस करेंगे, अगर आपने 4 से 5 दिन अपने टाइम टेबल को सेट करके फॉलो कर लिया, तो आपका टाइम इधर उधर बर्बाद होने से बच जाएगा। तो है ना कमाल के टिप्स। मैं इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगी,
बहुत इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके, या फिर कहीं इंगेज हो गई तो मैंने बीच बीच में वीडियो नहीं डाला या नहीं डाल पाई, लेकिन अब आपको मेरे वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी एक YouTube फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है, और आप लोग के कमेंट के रिप्लाई करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद लगते हो, अच्छे लगते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आप किस टाइप के वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ मैंने अपना एक और चैनल बनाया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। और हाँ, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए, व्यवस्थित करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।